लेकर हंगामा और फिर सियासी बगावत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी से टिकट कटने के बाद सिंधिया खेमे के माने जाने वाले मुन्ना लाल गोयल का बयान भी सामने आ चुका है, जिसमें मुन्ना लाल गोयल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी भूमिका जनसेवक की है। ये जब तक जिंदा है जनसेवक की भूमिका में ही रहने वाले हैं। मुन्नालाल गोयल का नाम टिकट कटने के साथ साथ इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने सिंधिया हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया था। कार्यकर्ताओं के आंख में आंसू तो मेरे आंख में भी आंसू। मुन्नालाल गोयल की ओर से ये बात कही गई। टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं ने सिंधिया हाउस के बाहर जमकर हंगामा किया था। मैं जनसेवक रहूंगा, जनसेवक पसंद बनता है, एमएलए एमपी है, जनसेवक की भूमिका होती है। तो मैं समझता हूं कि मेरी भूमिका जनसेवक की है, जब तक जिंदा हूं इस भूमिका में रहूंगा और कार्यकर्ता विश्वास दिलाता हूं कि आप सबने जो प्यार मुझे दिया है, सम्मान दिया है, विश्वास दिया है, आपके हितों की लड़ाई मुन्नालाल गोयल जीवन के आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। मेरा कार्यकर्ता मेरा कोई भी कार्यकर्ता दुखी होगा तो दुख मुझे होगा। मेरे किसी कार्यकर्ता आज में आंसू आए।